फ्रांस में 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली एड्रेस किया। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंसानों में नफरत खत्म हो जाएगी और तानाशाह मर जाएंगे। बता दें कि इस फेस्टिवल में ईवा लोंगोरिया, जूलियन एमूर, बेरेनिस बेजो और नो टाइम टू डाई की अभिनेत्री लशाना लिंच सहित कई बड़े सितारे शामिल हुए। यूक्रेन में रूस का युद्ध कांस समारोह के दौरान चर्चा में रहा। इस फेस्टिवल में ज़ेलेंस्की ने अपने मैसेज में महान हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने चार्ली चैपलिन के अडोल्फ हिटलर वाले रोल की तारीफ करते हुए कहा, हमें एक नए चैपलिन की जरूरत है जो ये बता सके कि हमारे वक्त का सिनेमा चुप नहीं है। अब आपको रूस और यूक्रेन जंग के मेन अपडेट्स के बारे में बता देते हैं। 17 मई यानी कि बीते रोज इजरायली दूतावास राजधानी कीव लौट आया है। वहीं रूसी हैकर्स ने यूक्रेन का सपोर्ट करने पर कोस्टा रिका पर साइबर अटैक किया। इधर जर्मन सरकार ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता करने की तैयारी शुरू कर दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 226 से ज्यादा हमले किए हैं, यानी हर दिन यूक्रेन की मेडिकल सेवाओं पर 3 हमले किए गए हैं। WHO के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि इन हमलों में 75 लोग मारे गए और 59 लोग घायल हुए हैं। ध्यान देने की बात है कि फिनलैंड की संसद ने सरकार को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर की गई वोटिंग के दौरान 200 में से 188 सांसदों ने फैसले का सपोर्ट किया। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 19 मई को फिनिश और स्वीडिश प्रधानमंत्री के साथ नाटो आवेदनों पर बातचीत करेंगे। इधर कनाडाई सरकार पुतिन समेत रूसी सरकार के 1000 सदस्यों की देश में एंट्री बैन करने की तैयारी कर रही है। कनाडाई सीनेट में इसे लेकर एक बिल भी पेश किया गया है। दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन को 15 करोड़ यूरो का कर्ज देने का वादा किया है। वहीं यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने कहा है कि मारियोपोल स्टील प्लांट से निकाले गए घायल यूक्रेनी सैनिकों को रूस के कब्जे वाले इलाके में ले जाया गया है। इन्हें रूसी सैनिकों के साथ अदला बदली की जाएगी। हालांकि कुछ रूसी अधिकारियों का दावा है कि इन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है या उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।